का दिल धड़कता है तो हिंदुस्तान भर में उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन सरजमीन मालेगांव से जब गजल का दिल धड़कता है तो उसकी आवाज सात समंदर पार जाती है। इस वक्त में सरजमीन मालेगांव से तशरीफ लाने वाले गजल के उस शहजादे को मैं दावत कलाम दे रहा हूँ जिसने गजल का परचम हमेशा संभाले रखा और उसी बुनियाद पर उसने अपनी पहचान बनाया। डॉक्टर नईम अख्तर ने कहा था कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। इस भीड़ भाड़ वाले दौर में जिस शायर ने गजल की बुनियाद पर अपना एक अलग मकाम एक अलग रास्ता बनाया है उस शायर का नाम है जनाब अल्ताफ ज़िया। मैं जनाब अल्ताफ को बस इन दो जुमलों के साथ दावत कलाम दे रहा हूँ कि जिसकी पहचान गजल है और गजल की पहचान है जनाब अल्ताफ ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से सिर्फ ये जो सामने बैठे इन्हीं के कान खुले हैं, बाकी सबके कान बंद लगातार हैं। मैं एक मर्तबा और सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं मोहतरम जलाल सिद्दीकी साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आपकी खिदमत में मौका इनायत फरमाया। ये वो इलाका है दोस्तों जिसने मेरी परवरिश की है, जिसने मुझे पाला। ये जो बुजुर्गों के चेहरे चमक रहे हैं, इन्हीं चमक ने मुझे भी उजाला बख्शा है और मैं आज फिर अपने दामन में कुछ चराग लेकर जाना चाहता हूं दुआओं के जो मेरे रास्ते में मुझे काम आए। मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं दोस्तों के अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। दूसरे मिसरे पर अगर कोई भी बंदा खामोश रहा तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे क्या सुनाना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ शायरी सुनना चाहते हैं। मेरे मोहतरम जमील खैराबादी साहब, हामिद भुसावली साहब, अली साहब, वसीम साहब यहाँ मौजूद हैं, सबको शरीक करता हूँ। जलाल भाई देखिएगा कि अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और ऐसा चाहते हैं, साथ फिरौन के हैं और ऐसा चाहते हैं। हम में के जो देखिए मेरे बुजुर्ग भी डाइस पर जाग गए, मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं उनका। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और ऐसा चाहते हैं, साथ फिरौन के हैं और ऐसा चाहते हैं। शेर पेश करता हूं कि मुझ में एक मौज थी बेजान कहां था पहले, मुझ में एक मौज थी बेजान कहां था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहां था पहले। आहा वाह। इसमें एक शेर आएगा दोस्तों, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो शेर आएगा और वो शेर आपके लिए इम्तिहान बनेगा, लेकिन मेरा यकीन है कि आप पास होंगे। मुझ में एक मौज थी बेजान कहां था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहां था पहले, वो भी क्या दिन थे कि हम खुल के मिला करते थे। तनवीर भाई क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा कैमरा चल रहा भाई यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुने। डूब जाना मेरा आसान कहां था पहले, वो भी क्या दिन थे कि हम खुल के मिला करते थे। आईनों से मैं पशेमान कहां था पहले, आईनों से मैं पशेमान कहां था पहले,
मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहां था पहले, मेरे मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहां था पहले, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहां था पहले। दोस्तों मैंने ये जो कुछ शेर तहत में सुनाए हैं, ये ओझा साहब की कमी मैंने पूरी कर दी, इसलिए कि वो बहुत कम पढ़ के गए हैं, उन्हें और भी पढ़ना था लेकिन वक्त की तंगी की वजह से वो तशरीफ फरमा हो गए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसकी आंखों उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, क्या कहने, उसकी आंखों में जरा सा अगर आप मुंह नहीं हिला सकते तो हाथ हिला सकते हैं शेर मुकम्मल होने के बाद। उसकी आंखों में उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जिंदगी वाह 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 मर जाने को जी चाहता, क्या कहने है, जी चाहता है वो न रास्ता है, वो न रास्ता है न मंजिल, क्या बात है, न मंजिल का निशान, वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, वो न रास्ता वो न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जी वाह 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 क्या कहने, क्या कहने, वाह बहुत शुक्रिया, वाह 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 बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, वो न रास्ता वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मेरी मंजिल है यही, मेरी मंजिल है यही, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। भोलेपुर वालों अच्छे शेर सुनने की आदत डालो, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मंजिल मेरी मंजिल है यही, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही,
तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता। वाह वाह वाह, तुम चले कहना। वाह 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 वाह, जाने को जी चाहता। क्या कहने, वाह है जी चाहता है। बस बहुत हो चुका, हाँ बस बहुत हो, बस बहुत हो चुका। चेहरे का उलट फेर के अब हो चुका, जरा सा साथ फेर के अब। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर। आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। मुकर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता के खाली पन का। अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह, भर जाने को जी चाहता है, जी चाहता। और बिलखुसूस ये शेर बतौर खास मुलाहजा फरमाए जी, मेरे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हैं, शायर माइक पर आता है और एक खराब शेर पर तो कहता है आपको ऐसे में इसके लिए काम आएगा। अल्ताफ जिया मेरे छोटे भाइयों को तोहफा ये शेर का देना चाहता है। मुलाहजा फरमाए जी, अता मेरे बुजुर्गों के हवाले से। जी चाहता है कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जी चाहता। क्या कहने, जब हवाओं का गुजर जाने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, मेरे मोहतरम हामिद मुसावली साहब ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मेरे मोहतरम जमील खैराबादी साहब भी बहुत मगन होकर मेरी इस गजल को सुन रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ इन तमाम साहबान के हवाले से, मुलाहजा फरमाए। जी चाहता, आप सबके घर की कहानी, अगर आपकी भी कहानी हो जो मेरी कहानी है तो मेरी इस कहानी में आप भी अपना रोल अदा करें। पेश करता हूँ मुलाहजा फरमाए। जी चाहता है, जी चाहता है कोई शहर
जीती रहती है जिया। क्या कोई शह कोई शह जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शह जो मुझे खींचती रहती है जिया। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता। क्या तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अल्ताफ जिया साहब से कि आप तशरीफ लाएं और कुछ अशार से मस्जिद नवाजे। देखिए हमारी साइस्ता सना भाभी जो है उन्होंने मुझसे कहा कि अल्ताफ आपने बहुत अच्छी गजल पढ़ी, तो मुझे तमाम शायरों की सनद मिल गई और मेरी भाभी साहिस्ता सना ने भी मुझे सनद अता कर दिया। और दो शायरा जो हैं उन्हें मुशायरों से कोई लेने ही नहीं है, मुंबई में लगे हुए, पता नहीं किससे बात हो रही है, कोई लेना नहीं। जब ये सुनेंगे तो मैं पढ़ता था। देखिए ऐसा है, ये गजल का गांव है, गीत का गांव नहीं है, तो मैं गजल ऐसी सुना दूं जो आपको गीत लगे। एक एक मुझे एक गजल की फरमाइश है कि जो आज के इस मुशायरे के सरपरस्त हैं, सरबराह हैं, उनका हुक्म है गजल के लिए। मैं वो गजल सुना के इंशाल्लाह वक्त रहा तो वो गीत भी पढ़ूंगा जिसकी आप ख्वाहिश रखें। पेश करता हूँ शजर की शाख पर जा भी। अरे मेरी जान मिश्रा तो सुन ले पहले, एडवांस पेमेंट करते हैं। पढ़ूं? जी जी आता है। मिश्रा पूरा हो जाए उसके बाद अगर आप 10 लोग हैं, 10 लोग और जुड़ जाएं, ये सब जुड़ जाएं तो मजा आ जाएगा। ये देखिए आपको आपको सूट किया जा रहा है। पढ़े ये सुनी हुई है क्या ये? अच्छा ठीक है, मैं दूसरी। ठीक है ठीक है, मैं दूसरी एक दूसरी गजल आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मतलब देखिए डाइस पर जो है दो तीन शेर इसके सुना के मैं नई गजल सुनाता हूं। शजर की शाख पर जभी समर लहराने लगते हैं। शजर की शाख पर जभी समर लहराने लगते हैं। शजर की शाख पर जभी समर लहराने लगते हैं। शजर की शाख पर जाफी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं। शजर की शाख पर जाफी समर लहराने लगते हैं। शजर वाह वाह बहुत शुक्रिया। शजर की शाख पर जाभी समर लहराने लगते हैं। शजर की शाख पर जाभी जो शेर मैं तीन शेर के बाद पढ़ने वाला था, आपका ये चंचलपन देख करके वो शेर मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। भाजा मैं मजा भी उनकी गली से आईना मजा भी उनकी गली से आईना
को दूरी से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूरी से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूरी से देख कर शर्माने लगते हैं, शजर की शाख पर जा भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जा भी। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सुने तुम्हारी याद से जब दिल मेरा घबराने लगता है, तुम्हारी याद से मिश्रा लग गया हो तो आप बेईमानी ना करें मेरे जी साथ। अता करें। तुम्हारी याद से जब दिल मेरा घबराने लगता है, तुम्हारे गम करीब आकर, तुम्हारे गम करीब आकर मुझे समझाने लगते हैं, तुम्हारे गम करीब आकर तुम्हारे। क्या अच्छा शेर अल्ताफ भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तुम्हारे गम करीब आकर मुझे समझाने लगते हैं। दोस्तों हम जब से यहाँ आए हैं हमारी खिदमत किए जा रहे हैं जलाल साहब और उनके जो भी रफका हैं, मैं इनकी मेहमान नवाजी को सलाम करता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, इसमें बखील कितने हैं कंजूस कितने हैं मुझे ये देखना है। एक शेर पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाए, इंशाल्लाह आप ही अव्वल नंबर आएंगे। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए, सुनिए। शजर की शाख पर जाबी समर लहराने लगते हैं, दरों दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है, दरों दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है, दरों दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, शजर की शाख पर जाबी। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब बहुत। अब दोस्तों ये जो दो तीन शेर हैं जी लगा के इसी तरह सुन लें। पेश करता हूँ लिहाजा फरमाए जी, अता करें। सफर की सारी उलझन और थकन में भूल जाता हूँ, सफर की सारी उलझन और थकन में भूल जाता हूँ, सफर की सारी उलझन और थकन में भूल जाता हूँ, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर। वाह 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 वाह, मेरे बच्चे। अल्लाह का एहसान कि आप सबकी भी तालियां बजी मेरे लिए। सफर की सारी उलझन और थकन में भूल जाता हूँ, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, शजर की शाख पर जाबी। अब एक ऐसा शेर जो दिल्ली के लाल किले पर मैंने पढ़ा तो कई नेता गायब हो गए थे वहां से, लेकिन यहाँ अल्लाह का एहसान है कि कोई नेता ना डाइस पर है ना सामे में है। शेर पढ़ता हूँ, अगर आपके मतलब की बात हो तो मेरी आवाज में आवाज में। शजर की शाख पर जाबे चले बेचने, अंधों की बस्ती में
चले है आईना बनने अंधों की बस्ती में। ये पहला मिसरा आपने बहुत बखीली से सुना, मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे दूसरा नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप वादा करें कि इस शेर के साथ आप बेईमानी ना करें। दिल्ली वालों ने तो की थी, आप ना करें, इसलिए कि आपकी बात है। पेश करता हूं। शजर की शाख पर जापे चले हैं आईना बेचने, अंधों की बस्ती में चले हैं आईना बेचने, अंधों की बस्ती में। ये बोलू पीर के होशियार, ये बोलू पूर के होशियार, सब दीवाने लगते हैं। ये बोलू पीर के होशियार, ये बोलू पूर के होशियार, सब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब एक ऐसा शेर जो उसी लाल किले में मुशायरे के बाद गुनगुनाया गया था, पढ़ता हूं। मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए। बुलंदी पर पहुंच जाती हूं बस भी, क्या बात, खूब होती है बुलंदी पर पहुंचने की। बुलंदी पर पहुंच जाती हूं बस भी, खूब होती है जिन्हें उड़ना नहीं आता, वो पर फैलाने